गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग SST के चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, जो था कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। इसमें हम लोगों ने कोस्टल रीजन के बारे में पढ़ा था, कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा था, और उसमें दो टाइप्स पढ़े थे कोस्टल प्लेन का, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। चलिए आज आगे देखते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। कि द फर्टाइल प्लेन्स अलॉन्ग द कोस्ट, फर्टाइल यानी उपजाऊ भूमि जो प्लेन्स के कोस्ट के आसपास होती है, प्रोड्यूस एबंडेंट क्रॉप्स, यानी वहाँ पे प्रचुर मात्रा में क्या होता है, फसल होता है, जैसे कि राइस, शुगर केन, कोकोनट और वेरियस बहुत सारा स्पाइसेस यानी मसालेज। और उसके दूसरे फायदे हैं, पोर्ट्स ऑफ मुंबई, चेन्नई एंड कोचिन फैसिलिएट मेजर इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया। कोस्ट जैसे कि पोर्ट्स जैसे कि मुंबई, चेन्नई और कोची, ये सब क्या है, ये सब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंडिया में माने जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, बड़े बड़े जहाज़ आते हैं जो अलग अलग देशों में जाते हैं। तीसरा इसका इम्पोर्टेंस है, लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नॉर्थन पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्टल प्लेन फ्रॉम द सी वाटर। बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, साल्ट प्रोड्यूस किया जाता है किस, नॉर्थन पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्टल प्लेन, वेस्ट कोस्टल प्लेन के नॉर्थन पार्ट से क्या होता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को साल्ट मिलता है। ड्यू टू द सूटेबल इन्वायरमेंट के कारण इन द कोस्टल रीजन में ह्यूमन हैबिटेशन इज पॉसिबल, और यहाँ पर लोग क्या कर सकते हैं, रह भी सकते हैं, इन लोगों का निवास भी पॉसिबल है। आइए देखते हैं आइलैंड्स क्या। आइलैंड इज ए लैंड है, सराउंडेड बाय वाटर, जो वाटर से घिरे होता है, ऑन ऑल साइड्स, हर तरफ से। सिंस देयर इज नो लैंड कनेक्टिविटी विद इन द मेन लैंड, यानी क्या हुआ इसका मतलब कि उसका जो मेन लैंड से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होता, यानी किसी भी तरफ से वह किसी भी ज़मीन से नहीं जुड़ा हुआ होता है। एंड आइलैंड कैन नॉट बी रीच्ड बाय रोड, और किसी भी आइलैंड पे क्या, इस कारण से अगर रोड रहेगा, ज़मीन रहेगा ही नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, हम लोग पहुँच नहीं सकते रोड के थ्रू। ए शिप, हेलीकॉप्टर और एन एरोप्लेन इज यूज टू रीच एन आइलैंड, शिप, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन का यूज किया जाता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। देर आर टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इन इंडिया, इंडिया में दो ग्रुप के आइलैंड है, दे आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार आइलैंड सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल, जो बे ऑफ बंगाल में क्या है, सिचुएटेड स्थित है। एंड लक्षद्वीप आइलैंड सिचुएटेड इन द अरेबियन सी, और दूसरा कौन सा है, लक्षद्वीप आइलैंड जो कहाँ है, अरेबियन सी के पास है। देखते हैं अब अंडमान और निकोबार के बारे में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज ए यूनियन टेरेटरी एंड इट्स कैपिटल इज पोर्ट्स बेलेयर, ये क्या एक यूनियन टेरेटरी और इसका कैपिटल कहाँ है, पोर्ट्स बेलेयर है। द आइलैंड इज ए ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड, और यह आइलैंड जो है यानी अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, यह क्या है, 572 आइलैंड्स का ग्रुप है। ईच इज एन आर्चिपेलेगो, यह एक आर्चिपेलेगो है। ओनली सम ऑफ दीज आइलैंड्स आर इनहेबिटेड, और यहाँ इसके कुछ ही आइलैंड जो इनहेबिटेड हैं। डाइवर्स स्पेसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी यहाँ का जो स्पेसीज अलग प्रकार के फ्लोरा और फौना आर फाउंड हियर, यहाँ पे पाए जाते हैं। द मिडल अंडमान हैज डेसीडुअस फॉरेस्ट, और मिडल अंडमान में क्या है, डिसीडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अबाउट 50 वेराइटीज ऑफ फॉरेस्ट मेमल्स, यहाँ लगभग 50 तरह के जंगली जानवर होते हैं, आर फाउंड टू अकर इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार आइलैंड में। द टेरेटरीज इज होम टू अबाउट 225 स्पेसीज, इसका टेरेटरी जो है लगभग 225 स्पेसीज का है, ऑफ बटरफ्लाई एंड मॉथ, यानी यहाँ 225 टाइप के बटरफ्लाई और मॉथ पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड इज ए ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड, यह क्या है, 36 आइलैंड का ग्रुप है। दैट लाई इन द अरेबियन सी, जो अरेबियन सी में पाया जाता है। इट वाज फॉर्मली कॉल्ड लेकेडीप, इसे लेकेडीप कहते हैं। मिनीक्वा एंड मिनी डीवी आइलैंड इज ए यूनियन टेरेटरी, यह क्या है, एक यूनियन टेरेटरी है। करावती इज इट्स कैपिटल, लक्षद्वीप का कैपिटल कहाँ है, कवारत्ती। लक्षद्वीप इज एन आर्चिपेलेगो, लक्षद्वीप एक आर्चिपेलेगो है, ऑफ 12 एटॉल का, 3 रेप्स का एंड 5 सबमर्ज्ड बैंक, और 5 यहाँ किनारे हैं, विथ ए टोटल ऑफ 39 आइलैंड्स, टोटल कितने हुए, 39 आइलैंड हुए एंड इजलेट्स हैं।
ओनली 10 ऑफ दीज आइलैंड्स आर इनहेबिटेड, यहाँ पे केवल 10 ही ऐसे आइलैंड है जो इनहेबिटेड यहाँ पे रह सकते हैं। दे आर क्लोजर टू द मालबार कोस्ट, जो मालबार कोस्ट के नज़दीक हैं। इट इज़ द ओनली कोरल एट्रोल, या केवल कोरल एट्रोल है ऑफ द कंट्री देश का। द मेन आइलैंड आर कवरत्ती, मेन आइलैंड क्या है, कवरत्ती है, अगत्ती है, मिनिकॉय है और एमिनी है, यानी लक्षद्वीप का जो मेन आइलैंड है वो क्या, ये चार हैं। अगत्ती हैज एन एरोपोर्ट, अगत्ती में एक एयरपोर्ट है। द आइलैंड हैज ओवर 600, आइलैंड में लगभग 600 स्पीसीज ऑफ मरीन फिशेज, यानी 600 प्रकार के क्या होते हैं यहाँ, फिश पाए जाते हैं। द कॉमन फ्लोरा ऑफ कोरल सैंड्स, वहाँ का जो फ्लोरा होता है यानी वहाँ का जो दृश्य होता है, ऑफ द कोरल सैंड्स इंक्लूड कोकोनट ग्रोव, कोकोनट होता है, एंड कोस्टल शर्ब्स, और वो वहाँ पे जो कोस्टल एरिया में जो झाड़ी होती है वो पाया जाता है। लक्षद्वीप मीन्स, लक्षद्वीप का मीन्स होता है 100,000, 100,000 आइलैंड इन संस्कृत, यानी लक्षद्वीप का संस्कृत में मीनिंग क्या होता है, 100,000, यानी 100 पे और 3 0 लगा दीजिए, 100,000 आइलैंड संस्कृत में। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। बाय, टेक केयर।